का स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम और मेरे पीछे है वो तस्वीर और वो टेक्स्ट जिसपे ना तो आज क्वेश्चन मार्क है और ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क। जी हाँ, इस तस्वीर में वो तमाम वो चेहरे हैं जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का हिस्सा आज बन गए हैं। आज मोहन कैबिनेट का विस्तार मध्य प्रदेश में हो गया जिसमें कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 5 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। साथ ही आदिवासी समुदाय की संपत्तियां उइके और निर्मला भूरिया को कैबिनेट और ओबीसी नेता कृष्णा गौर को राज्य मंत्री बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह मंत्री बने हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर यह है कि अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के महारथी यानी कि उनके मिनिस्टर्स अब सामने आ चुके हैं। आज शपथ ग्रहण हो चुका है। ऐसे में मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार का जो इंतजार था अब वो पूरा हो गया है। 28 मंत्रियों ने शपथ ली जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 4 राज्य मंत्री शपथ ले चुके हैं और साथ ही 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बने हैं। तो कैसा है समीकरण वो आपको बता रहे हैं। तमाम समीकरणों का ध्यान रखा गया, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर वो हो क्षेत्रवार समीकरण, यानी कि कौन से क्षेत्र से कितने मंत्री बने हैं ये भी ध्यान रखा गया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का गठन आखिरकार हो ही गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मंगूभाई पटेल ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में 18 को कैबिनेट जबकि 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें सबसे पहले प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, उदय प्रताप सिंह, करण सिंह वर्मा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद गोविंद सिंह राजपूत, विजय शाह, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंसाना ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इन लोगों के बाद चैतन्य काश्यप, नारायण कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, राकेश शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। संपतिया उइके को राज्यपाल ने अकेले कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं 4 राज्य मंत्रियों में राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। सभी मंत्रियों को राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। प्रदेश में नई सरकार और मंत्रिमंडल दोनों का गठन अब हो चुका है। उम्मीद है आने वाले समय में सरकार प्रदेश के विकास में तेजी से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मोहन मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रों का भी ख्याल रखा गया है। मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं जबकि सबसे कम विंध्य क्षेत्र से मंत्री बने हैं। वहीं पहली बार के विधायक बने दिलीप अहिरवार को भी मंत्री बनाया गया है। मोहन मंत्रिमंडल के गठन में लोकसभा चुनाव की तैयारी की झलक भी देखने को मिली। एमपी के अलग अलग रीजन से प्रतिनिधित्व मिले इसका ध्यान भी रखा गया है।
सबसे ज्यादा मंत्री मालवा निमाड़ क्षेत्र से बनाए गए हैं। अलग अलग रीजन की बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऐदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला को मंत्री बनाया गया है। वहीं मालवा निमाड़ से कुल 7 मंत्री बने हैं, कैलाश विजयवर्गीय, इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, विजय शाह, चैतन्य काश्यप, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया है। वहीं महाकौशल की बात करें तो इस रीजन से 4 मंत्री बनाए गए हैं, मसलन प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके। वहीं मालवा निमाड़ के बाद मध्य क्षेत्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं, जो हैं कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, नारायण पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, करण सिंह वर्मा और गौतम टेटवाल। मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड को भी तरजीह दी गई है। यहां से 4 मंत्री बनाए गए हैं, गोविंद सिंह राजपूत, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार। हालांकि सबसे कम मंत्री विंध्य क्षेत्र से आ रहे हैं, यहां से 3 ही मंत्री बने हैं, दिलीप जायसवाल, राधा सिंह, प्रतिमा बाकरी। मंत्रिमंडल में चंदला से पहली बार विधायक बने दिलीप अहिरवार को भी जगह मिली है। वे अनुसूचित जाति के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। माना यह जा रहा था कि मोहन मंत्रिमंडल में महिलाओं को तरजीह मिलेगी, इस बार 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लाडली बहना योजना और महिला वोटर्स की भागीदारी ने प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। ऐसे में मोहन मंत्रिमंडल में भी नारी शक्ति को जगह दी गई। मोहन मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर पहली बार मंत्री बनी हैं। उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है। कृष्णा गौर पहली बार साल 2014 में विधानसभा पहुंची थीं। इससे पहले वो भोपाल के महापौर रह चुकी हैं। उनके अलावा संपतिया उइके को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। संपतिया उइके राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। वहीं झाबुआ से निर्मला भूरिया को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। निर्मला भूरिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं रेगांव से जीत दर्ज करने वाली प्रतिमा बागरी भी मंत्री बनी हैं। उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं राधा सिंह को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। रिपोर्ट न्यूज 18। तो मंत्रिमंडल में नारी शक्ति को भी जगह मिली है। 5 महिलाओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है और तमाम समीकरणों का ख्याल भी रखा गया है। ओवरऑल कैबिनेट कैसी है, किस तरह का बैलेंस नजर आ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो गया है तमाम मंत्रियों का, वो कैबिनेट भी सामने आ गई है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अगर हम एक एनालिसिस के तौर पर देखें तो कितनी बैलेंस ये टीम दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर बैलेंस की बात करूं तो अलग अलग इलाकों से सभी वर्गों को साधने का प्रयास जो है इस मंत्रिमंडल के जरिए किया गया है। एक तरफ जहां कई बड़े दिग्गज नेताओं को मोहन कैबिनेट में जगह मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ नवेले विधायकों को भी इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। तो ये बताता है कि किस तरीके से सारा सामंजस्य बिठाने का काम किया गया है। मालवा निवाड़ हो, बिंद हो, बुंदेलखंड हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर मध्य का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों से लगा जो विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हालांकि ये बात अलग है कि बिंद को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना जिस आधार पर वहाँ सीटें जीती हैं। देखिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिंद को डिप्टी सीएम के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया और यही कारण है कि वहाँ से 3 मंत्री बनाए गए और एक राजेंद्र शुक्ला वहाँ डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बिंद को साधने के लिए एक बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला वहाँ माने जा सकते हैं। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूँ तो पिछले बार वहाँ पर 9 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार वहाँ पर केवल 4 मंत्री दिए गए हैं। देखो, 4 मंत्री बनाए गए हैं। अगर दूसरी तरफ मालवा निवाड़ को इस बार इस पूरे विधानसभा में कहें या फिर इस पूरे कार्यकाल में खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। सीएम उस इलाके से आते हैं, डिप्टी सीएम उस इलाके से आते हैं,
और उसके अलावा 7 नए मंत्री भी उस इलाके से आज शपथ ली है। तो ये बताया जा सकता है कि किस तरीके से मालवा निवाड़ जो है वो फोकस है। देखिए क्यों वो फोकस है, क्योंकि देखिए एक तो OBC फैक्टर वहाँ पर काम करता है, दूसरा ST और SC फैक्टर है। तो ये 3 जो बड़े वर्ग है इनको साधने का प्रयास जो है इस मंत्रिमंडल के माध्यम से किया गया है। तो सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है मंत्रिमंडल से, साधने की हर किसी को कोशिश की गई है, लेकिन मालवा निमाड़ की तरफ थोड़ा सा जो झुकाव ज्यादा है, पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप बता रहे हैं शैलेंद्र। और अगर बात करें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पिछली सरकारों में दिखाई दिए, रिपीट किया गया है, लेकिन कुछ चेहरे नजर नहीं आए, क्या लग रहा है, ये पूरी तरह से टीम मोहन यादव है या फिर इसमें पिछली सरकारों का भी छाप नजर आ रही है? देखिए अगर मैं आपको शिवराज सरकार की बात करूं तो कुल 28 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें से जो 12 मंत्री जो है वो चुनाव हार गए थे, और जो मंत्री बचे थे उसमें से देखिए 6 लोगों को ही रिपीट किया गया है, बाकी लोगों को बाहर रखा गया है। यानी जो कई सीनियर मंत्री थे, गोपाल भार्गव हो या फिर बात करते हैं भूपेंद्र सिंह, ये जो नाम थे, जयंत मलैया के कयास बहुत लगाए जा रहे थे कि वो इस बार मंत्रिमंडल में स्थान पाएंगे, लेकिन उनका स्थान नहीं आया। तो कई दिग्गज जो है उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है और नए चेहरों को जगह दी गई है। चेतन कश्यप काफी लंबे समय तक से विधायक है, उनको इस बार मौका मिला है। करण सिंह वर्मा 8वीं बार विधायक बने, हालांकि पहले वो 2 बार राजस्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीच में उनको ड्रॉप किया था, लेकिन इस बार उनको फिर से मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। राकेश शुक्ला काफी दिनों बाद, अगर ये कहें कि मंत्रिमंडल तो पहली बार वो आए लेकिन 2 बार से वो जीत नहीं रहे थे, इस बार जीत के आए तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। देखिए जिस तरीके से चाहे कृष्णा गौर हो या फिर प्रतिमा बागरी हो, तमाम जो ऐसे लोग हैं, राधा सिंह, इन लोगों को अगर लेकर आई है बीजेपी मंत्रिमंडल में, तो ये बताता है कि पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में बीजेपी अब आगे बढ़ चुकी है। और ये बात खुद जो मंत्री है उन्होंने भी साफ तौर पर ये कही कि जो बीजेपी है अब नए चेहरों को आगे इसीलिए कर रही है कि देखिए आने वाले समय में 2024 का चुनाव भी है और आने वाले समय में और युवा नेतृत्व आगे बढ़कर आए, तो ऐसे में जो सीनियर लोग हैं उनका तो अनुभव उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नए चेहरों को आगे किया जा रहा है ताकि एक बेहतर बीजेपी आने वाले समय में, ये जिस तरीके से अभी प्रचंड जीत बीजेपी दर्ज कर रही है, इसी तरह की जीत दर्ज करती रहे तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है तो जीत की लकीर और लंबी होती चली जाए, इसके लिए युवाओं को आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए भी। तो मध्य प्रदेश में आज डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय को भी शामिल किया गया। मंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को फूलों की माला पहना दी। इसके बाद पत्नी आशा विजयवर्गीय ने कहा कि 35 साल पहले की वरमाला की वो घड़ी याद आ गई। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और कैलाश विजयवर्गीय जी कैबिनेट मंत्री बने, उनसे बात करेंगे। सर एक बार फिर लंबा अनुभव आपके पास है, उसका मध्य प्रदेश की जनता को किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए ऐसा है कि मोहन जी के नेतृत्व में एक टीम वर्क से हम काम करेंगे और मुझे लंबा अनुभव काम करने का, मैंने उमा जी के साथ भी काम किया, बाबूलाल गौर साहब के साथ भी काम किया है और शिवराज सिंह चौहान साहब जी के काम किया है। अब मोहन जी के नेतृत्व में हम प्रदेश का विकास करेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छी टीम है और मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बनाएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सरकार की? अब ये कल बैठकर तय करेंगे हम लोग, बाकी प्राथमिकता एक ही है कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना। लोकसभा का चुनाव भी है उसके मद्देनजर हम 29 सीट जीतेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो यह कैलाश विजयवर्गीय जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस प्राथमिकता एक ही है कि प्रदेश का विकास हो और मोदी जी के नेतृत्व में विकास करेंगे और 29 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। कैमरामैन रजत अवर के साथ साइलेंसिंग न्यूज टीम भोपाल। तो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। तोमर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दंडवत प्रणाम किया। स्टेट हैंगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर कट्टर समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की और यहां पर दंडवत प्रणाम करते हुए वो सिंधिया को दिखाई दे रहे हैं। स्टेट हैंगर की तस्वीर, जब सिंधिया यहां पहुंचे थे तो वहां कुछ इस अंदाज में उनका अभिवादन किया प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, या इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो तोमर को महाराज का आशीर्वाद भी मिला है, ग्वालियर के महाराज
ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ इस अंदाज में अभिवादन किया है प्रद्युम्न सिंह तोमर। तस्वीर स्टेट हैंगर की, जब सिंधिया वहां पहुंचे थे और ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पहुंचे और यहां इस अंदाज में उनका आशीर्वाद लेते हुए, दंडवत प्रणाम लेते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिमंडल की शपथ के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी न्यूज 18 से बात की, कहा कि नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करेंगे, जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल उनके समर्थकों से यहां पर घिरे हुए हैं और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहली बार के विधायक है और वो अब यहाँ पर मंत्री बन गए हैं और उनसे बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व ने जो भरोसा किया है इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि पर, सुशासन दिवस पर पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा किया है तो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति में जो मानव मापदंड स्थापित कर रखे हैं, शुचिता की राजनीति की है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करूंगा। नरेंद्र शिवाजी पटेल यहाँ पर हमारे साथ थे और मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सुशासन की मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उनकी जन्म जयंती है और उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं उन पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मोहन मंत्रिमंडल के गठन के बाद एमपी में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों ने आतिशबाजी भी की। मंत्रियों के राजभवन में शपथ के बाद सभी मंत्रियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ तस्वीर खिंचाई। इसके तुरंत बाद एमपी में जश्न भी शुरू हो गया। दिलीप अहिरवार के मंत्री बनने पर छतरपुर में जश्न का माहौल है। दिलीप अहिरवार के घर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। वहीं बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। वहीं जबलपुर के मालवीय चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। विधायक राकेश सिंह के मंत्री बनने पर नगर अध्यक्ष साहू के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मालवीय चौक पहुंचे और मिठाई बांटी, साथ ही आतिशबाजी भी की। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। उनके समर्थकों ने हजीरा में ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। लगातार तीसरी बार जो है मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर, कितनी खुशियां मनाई जा रही है? देखिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का मंत्री बनने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति ने अपने आप को जैसे विधायक होते अपने आप को विधायक समझा, आज मंत्री बने यहाँ हर एक कार्यकर्ता अपने आप को मंत्री समझ रहा है क्योंकि उनकी कार्य करने की क्षमता और शैली वैसी है। पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जी दोबारा कैबिनेट मंत्री बने हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले काम किया उससे बढ़ के और काम करेंगे। इस ग्वालियर विधानसभा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें जो भी विभाग मिलेगा उसमें एक परिवर्तन दिखेगा। ये खुशी कितनी खुशी है, खुशी का इजहार पूरे चंबल में दिख रहा है, हर गली मोहल्ले में। जिन नागरिकों ने अपना जो विश्वास माननीय मंत्री जी को दिया था उस विश्वास पर केंद्रीय नेतृत्व ने सील लगा दी है और इसलिए क्षेत्रीय नागरिकों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रतलाम से विधायक चैतन्य कश्यप ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ ही मिठाई बांटकर खुशी जताई। रिपोर्ट न्यूज 18। वहीं ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। एमपी में अब 25 दिसंबर को तबला दिवस मनेगा। किले पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इस दौरान 1282 तबला वादकों ने एक साथ स्वरांजलि देकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया। तो बड़ी खबर, बड़ी घोषणा जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में की कि अब मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। किले पर आयोजित एक कार्यक्रम था जहां मुख्यमंत्री के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इस दौरान 1282 तबला वादकों ने एक साथ प्रस्तुति दी। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी शादी की अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है। शादी को लेकर बयान दिया है और सुर्खियों में आ गए हैं।
कहना है कि कुछ संकल्पों को पूरा कर जल्द ही सेहरा सजाने वाले हैं। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो माता पिता की परमिशन से शादी करेंगे। करेंगे माता पिता की हत्या से करेंगे, लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हो अपने मिशन में लगे रहे, आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, जल्दी ही हम जो है सहरा सजाने।